जमींदार के पास माही को दुल्हन के जोड़े में बैठा देख चेतन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल को वो अपने होश खो बैठा और फटी आंखों से उस दुल्हन को देखते हुए बोला, क्या मैं माही को देख रहा हूँ? लेकिन माही यहाँ कैसे हो सकती है, और वो भी दुल्हन के जोड़े में? नहीं, ये तो मेरा पास्ट है और मैं समय काल में पीछे हूँ, फिर यहाँ माही कैसे हो सकती है? जहाँ चेतन अपने पास्ट में माही को देख हैरानी की इंतहा पर था, वहीं कमरे में चित्रलेखा को लेकर आए लोगों में से एक आदमी ने कहा, ये मालिक ऐसे क्यों सोए हुए है, ना ही हमारी बात का जवाब दे रहे हैं, कहीं शराब का सेवन अधिक तो नहीं कर लिया उन्होंने? उस आदमी की बात सुन चेतन ने हैरान होते हुए खुद से कहा, इस आदमी को क्या जमींदार के पास बैठी माही नजर नहीं आ रही? ये कहते हुए चेतन ने जैसे ही जमींदार की तरफ देखा, उसे वहां केवल बिस्तर पर सोया जमींदार ही दिखाई दिया, तो चेतन चौंकते हुए कमरे में चारों तरफ देखने लगा। अभी तो मैंने यहां माही को देखा, पर वो गई कहां? नहीं, ये क्या हो रहा है? माही यहां थी, मैंने देखा उसे, और वो अब यहां नहीं है, क्या हो रहा है ये? चेतन माही को कमरे में खोज रहा था और दूसरी ओर वो आदमी बोला, मैं देखता हूं मालिक को, मुझे लगता है जरूर उन्होंने शराब अधिक पी रखी है। ये कहते हुए वो आदमी जमींदार के नजदीक गया तो अचानक ही जोर से चीख पड़ा। उसने पेट के बल लेटे जमींदार के शरीर को जैसे ही सामने की तरफ घुमाया, उसने भय से कांपते हुए कहा, मालिक, मालिक को क्या हो गया? ये मालिक का शरीर सफेद क्यों पड़ा है, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं हो? मालिक तो मरे पड़े हैं, लेकिन कैसे? उस आदमी की बात सुनते ही सभी लोगों के साथ ही चेतन ने भी जैसे ही जमींदार को देखा, वो दो कदम पीछे हटा और उसके मुंह से बहुत ही मुश्किल से निकला, जमींदार की मौत हो गई, लेकिन ये ऐसे कैसे? और इसका शरीर ठीक वैसे ही सफेद पड़ा है जैसे कि फूलपुर गांव में खूनी वधु के शिकार का होता है। ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या मतलब है इसका? जमींदार की मौत का कारण खूनी वधु है, पर कैसे? मैं भूतकाल में हूं और खूनी वधु मेरे वर्तमान में है, क्या हो रहा है ये? यहां तो माही थी दुल्हन के जोड़े में, पर माही तो मेरे प्रेजेंट में है और मैं पास्ट में हूं। ओ गॉड, ये माही, खूनी वधु, क्या हो रहा है यहां? मेरा दिमाग फट जाएगा अब। चेतन के मन में हजार सवाल चल रहे थे जिसका जवाब अभी उसके पास नहीं था, और वहां खड़े लोग जमींदार की यह हालत देख खौफ से भर चुके थे। तभी एक आदमी पीछे से बोला, भाई लोग, मैंने पुजारी बाबा को बुलाया है, सब हटो वहां से, पुजारी बाबा को देखने दो मालिक की हालत। पुजारी को वहां देख सभी लोग पीछे हट गए। चित्रलेखा की आंखों में अब आंसुओं की जगह भय नजर आ रहा था। सभी की तरह उसके मन में भी ये सवाल घूम रहा था कि जमींदार की मौत हुई कैसे। पुजारी ने जमींदार की लाश देखी तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उन्होंने गंभीर होकर कहा, जमींदार बाबू की मौत साधारण नहीं है, इनके शरीर की हालत देख मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि इनकी जान किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी डायन या चुड़ैल ने ली है। पुजारी की बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया और अगले ही पल सभी लोग आपस में काना फूसी करने लगे। तो जमींदार के पास खड़ा वो आदमी बोला, पुजारी जी, हमारे नगर में डायन चुड़ैल, क्या कह रहे हैं आप? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मालिक की जान डायन ने ली है? पुजारी ने उसी गंभीरता से कहा, मैं ऐसे ही बिना किसी ज्ञान के नहीं कह रहा, ये मेरे एक मित्र है जो तंत्र विद्या में निपुण है, वो एक बड़े तांत्रिक है और उन्होंने मुझे ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया है। यदि किसी इंसान की लाश सफेद हो गई हो, मानो उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो, तो उस इंसान की मौत साधारण नहीं होती बल्कि उसकी जान किसी चुड़ैल ने ली होती है। पुजारी की बात सुनते ही वहां अदृश्य खड़ा चेतन अब बुरी तरह से परेशान हो चुका था। पुजारी के अनुसार जमींदार को किसी भूतनी ने मारा है, मतलब
ठीक वैसे ही जैसे फूलपुर गांव में खूनी वधू मारती है। जहां चेतन खूनी वधू के बारे में सोच सोच परेशान हो रहा था, वहीं नगर के लोग पुजारी की बात से बुरी तरह से डर गए थे। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से एक आदमी ने हैरत से कहा, हमारे नगर में कोई भूतनी है, ये कैसे संभव है? लेकिन कहां से आई वो भूतनी? हे ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हम सब तो बड़ी भारी मुसीबत में पड़ गए, अब कैसे एक भूतनी से हमारे नगर को मुक्ति मिलेगी? भीड़ में खड़ी चित्रलेखा की घबराहट भी बढ़ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, इस पापी की मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हमारे नगर में कोई चुड़ैल घूम रही है, तो इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हे काल भैरव बाबा, रक्षा करना हम सबकी, मेरे नगर की। चित्रलेखा अपने दोनों हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और वही नगर के लोग जमींदार की लाश के पास जाने से अब डरने लगे थे। एक दूसरे आदमी ने पुजारी से कहा, पुजारी बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा करें, आप अपने उसी तांत्रिक मित्र को बुलाएं, ताकि वो हमारे नगर की सुरक्षा उस भूतनी से कर सके और हमारी जान सुरक्षित हो सके। इस पर पुजारी ने कहा, जमींदार बाबू की लाश को बिना हाथ लगाए बिस्तर पर बिछाए कपड़े में लपेटकर बाहर ले आइए, मैं अपने मित्र के पास जल्द से जल्द यहां आने के लिए संदेश भिजवाता हूं। वहां खड़े चार पांच लोगों ने हिम्मत जुटाई और जमींदार की लाश को बिस्तर के कपड़े में लपेटकर बाहर ले जाने लगे। लेकिन वहां खड़े चेतन का दिमाग अब भी काम नहीं कर रहा था। उसने वहां चुपचाप से खड़ी चित्रलेखा को परेशान नजरों से देखते हुए कहा, मेरे प्रेजेंट में भूतनी है और अब मेरे पास्ट में भी एक भूतनी है, लेकिन प्रेजेंट में तो खुद चित्रलेखा खूनी वधू है, और यहाँ भूतकाल में जब चित्रलेखा एक जीवित इंसान है, तो फिर यहाँ कौन है खूनी वधू? और माही को कैसे देखा मैंने? चेतन चित्रलेखा को देख ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे के पास खड़ी चित्रलेखा धीरे से कमरे से बाहर निकली। उसके दरवाजे के पास से हटते ही जैसे ही चेतन की नजर वहां गई, उसे दरवाजे के पीछे खड़ी वही लड़की दिखाई दी जिसकी शक्ल हूबहू माही की शक्ल से मिल रही थी और जिसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, वही जिसे चेतन ने जमींदार की लाश के पास बैठा देखा था। चेतन उसे देख हैरत से भर गया, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी माही की शक्ल वाली लड़की के चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान थी। वो चेतन को देख मुस्कुराई जा रही थी। चेतन ने हैरानी से कहा, क्या ये माही की शक्ल वाली लड़की मुझे देख पा रही है, और क्या वो भी मुझे ही नजर आ रही है? सिर्फ जमींदार के साथ कमरे में चित्रलेखा ही आई थी, लेकिन बाद में मैंने खुद देखा कि चित्रलेखा को लोग पकड़कर यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब कमरे में भी चित्रलेखा थी और बाहर लोगों के साथ भी चित्रलेखा, और अब कमरे में जो चित्रलेखा थी वो माही के रूप में दिख रही है मुझे। तो क्या माही के रूप में ये लड़की एक भूतनी है, खूनी वधू है? पल भर में ही चेतन ने सारी बातों के सिरों को आपस में जोड़ लिया, और जो नतीजा सामने आया उसे सोचकर ही उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। दरवाजे के पास खड़ी माही की शक्ल वाली लड़की अब भी चेतन को देख मुस्कुरा रही थी, मानो उसे कह रही हो, मैं कल भी थी और आज भी हूँ। चेतन के कदम लड़खड़ा गए। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कमरे में चल रहे सारे दिए अचानक से बुझ गए, तो वहां घुप अंधेरा छा गया। चेतन को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे पायलों की आवाज सुनाई दी, तो वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ उसके पीछे जाने लगा। सीढ़ियों से उतर जब वो नीचे आया, तो सभी लोग जमींदार की लाश को एक जगह रख उससे दूर खड़े आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान उन पायलों की आवाज पर नहीं जा रहा था। ये देखकर चेतन और भी परेशान हो गया। चेतन ने देखा तो वो लड़की पीछे पलटकर उसे देखते हुए अब भी मुस्कुरा रही थी। चेतन उसके पीछे चलता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और हवाएं तेज चल रही थी। चेतन धीमे कदमों से चलते हुए उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। हवा का जोर इतना था कि बड़े बड़े पेड़ भी तेजी से झूम रहे थे और सन्नाटे को चीर रहे थे। सुनसान रास्ते को मौसम इस कदर डरावना बना रहा था कि अपने भूतकाल में अदृश्य चेतन भी सहम गया था। वो उसके पीछे चलता हुआ अब नगर के बाहर काल भैरव मंदिर के पास पहुंच चुका था।
मंदिर से घंटियां बजने की आवाजें आ रही थी। चेतन अब भी उस लड़की के पीछे चल रहा था और वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसे देखते हुए चेतन ने खुद से कहा, आखिर ये जा कहाँ रही है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चेतन अभी भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी माही की शक्ल वाली वो लड़की काल भैरव मंदिर के पास जाकर रुक गई तो चेतन के कदम भी अपनी जगह पर थम गए। ये मंदिर के पास क्यों रुकी है, अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। चेतन थोड़ा और आगे बढ़ा तो मंदिर के बाहर जलती मशालों की लौ हवा के कारण और भी तेजी से धधकने लगी, जिसकी रोशनी में अब चेतन को उस लड़की का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो मंदिर के पास खड़ी चेतन को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए चेतन को अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी एकदम से उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई तो उसने खुद से कहा, ये खुशबू तो रात रानी के फूलों की खुशबू है जो खूनी वधू के आने पर आती है। तो क्या वाकई खूनी वधू मेरे भूतकाल में है? चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि मंदिर के पास खड़ी वो लड़की चेतन की ओर देख मुस्कुराने लगी। उसे ऐसे मुस्कुराते देख चेतन ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, वो लड़की अचानक ही वहां से गायब हो गई। चेतन भागते हुए मंदिर के पास पहुंचा तो उसे वो लड़की मंदिर के पीछे जाते हुई नजर आई। चेतन दौड़ते हुए उसके पीछे भागा और जोर से चिल्लाया, सुनो, रुको, रुक जाओ, कौन हो तुम, मेरी बात सुनो। लेकिन चेतन की आवाज का उस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और अंधेरे के बीच उठते धुएं के बीच से होती हुई चेतन की आंखों से ओझल हो गई। चेतन ने हर तरफ उसे ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। हवा अब भी तेज थी और मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। उसने परेशानी से अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कहां गई वो लड़की, आखिर कौन थी वो माही ही थी ना, या फिर कोई और, या किसी ने माही का रूप ले रखा था, जैसे हवेली में आने से पहले चित्रलेखा का ले रखा था। एक मिनट, वो लड़की जो हवेली में अकेले आई थी उसने चित्रलेखा का रूप लिया हुआ था, फिर जब मैंने दोबारा देखा तो वो माही के रूप में थी। तो क्या वो माही नहीं थी, या फिर माही की बहरूपिया थी? ओ गॉड, मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा। मैं यहाँ अपने भूतकाल में चित्रलेखा और हर्षवर्धन की कहानी जानने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए एक दूसरा सवाल ही खड़ा हो चुका है। मैं इस कहानी के जाल में उलझता जा रहा हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माही क्यों, वो कैसे खूनी वधू हो सकती है? चेतन अंधेरे में चारों तरफ उस लड़की की तलाश कर थक चुका था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मौसम का ये रूप तो मैंने तब देखा था जब मेरे वर्तमान काल में वो तांत्रिक खूनी वधू को वश में करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त भी मौसम बेवजह ही तूफानी हुआ था और आज यहाँ समय चक्र में पीछे वही तूफान, वही हालात और वो खूनी वधू, कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। चेतन अभी यही सब सोच रहा था कि अचानक ही तेज चलती हवा एकदम से थम गई और साथ ही मंदिर में बजती घंटियों की आवाजें भी आनी बंद हो गई। एकाएक वहां का माहौल शांत हो गया, जैसे कि तूफान कभी आया ही ना हो। तभी मंदिर के पास से चेतन को किसी के रोने की आवाज आई तो वो घबराकर उस तरफ भागा। वो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, वहां जलती हुई मशाल की रोशनी में उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी चित्रलेखा रोती हुई नजर आई। चित्रलेखा रोते हुए कह रही थी, हे ईश्वर, उस पापी इंसान से मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना की लाज रखी और मेरी रक्षा की। चित्रलेखा ने अपने आंसुओं को पोंछा और उठ खड़ी हुई। चेतन चित्रलेखा की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल चित्रलेखा के चेहरे के भाव बदल गए और वो मुस्कुराने लगी। उसे ऐसे मुस्कुराता देख चेतन कुछ समझ पाता। उससे पहले ही उसे चित्रलेखा के सामने खड़ी माही की शक्ल की खूनी वधू नजर आई तो चेतन ने कहा, चित्रलेखा, क्या माही, मेरा मतलब उस लड़की, उस खूनी वधू को देखकर मुस्कुरा रही है? आखिर किस जाल में फंस रहा है चेतन? क्या है राज माही की शक्ल वाली खूनी वधू का?
क्या है चेतन के भूतकाल में छिपा हुआ, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु।